विदिशा में दशहरे की रात हुई चाकूबाजी की घटना में घायल व्यक्ति की रविवार इलाज के दौरान मौत हो गई। दशहरा की रात कुछ युवकों के बीच मामूली बात पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि तीन अज्ञात युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक मुकेश के शव का पीएम कराकर परिजन शव को विदिशा लेकर आए। परिजनों ने एसपी निवास और कलेक्टर निवास के सामने शव रखकर चक्का जाम किया। इस बीच सीसीएसडीएम सहित पुलिस बल ने समझाइश देकर आरोपियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। दशहरे के दिन ये इसका कमलों की दी से झगड़ा हो गया, क्या हुआ मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तो मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी कर रहा था, तो इसके साथ में मतलब तीन लोगों ने मिलकर चाकू से वार किए। तो जब वहां पर पहुंचा तो राजन सिंह करार उसके साथ दो जने और एक शर्मा जी त्रिवेदी हैं कौन और एक लोधी जी, दोनों तीनों इसे लेके हॉस्पिटल का। उन्होंने मुझे फोन लगाया, कहला वो भूरा के चाकू मार दी। मैं वहां पहुंचा तो वहां पे जाके मैं पहुंचा, जैसे ही मैंने इसका ट्रीटमेंट कराया वहां पे इलाज कराया। कहां कराया था? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज। वहां पे इलाज कराया इसका, इनका इन्फेक्शन फैल गया चाकू का। चाकू इतने जोर से मारे थे इसके आगे पीछे कम से कम 7-8 चाकू मारे हैं। फिर इसके बाद में एसआई साहब का मेरे पास फोन आया, तो एसआई साहब से मैंने बोला, एसआई साहब मेरे से बोलने लगे, कहला ऐसा भी तो हो सकता है कि तेरे भाई ने उठा के चाकू कहला वो छुड़ा के तेरे भाई मतलब वो चाकू तेरे भाई में मार रहा हूँ, उन्हें छुड़ा के कहला चाकू मार दिया। दशहरे की रात की बात है, 10:16 की, भैया ने मेरे पुलिस वालों को पकड़ के दिया और पुलिस वाले पकड़ के ले गए उसको और थाने से उसको छोड़ दिया, बिना लगा पड़ी के छोड़ा है। कौन था वो पता कोई पता नहीं, विवाद का कोई कारण पता कोई बात नहीं। भैया दशहरे देखने गए थे, बस अचानक लड़ाई हो गई। कहाँ पर विवाद हुआ था? ये जैन भोजनालय के नीचे। अब ये दशहरे की रात को एक चाकूबाजी की घटना हुई थी माधवगंज में, उसको लेके संबंधित व्यक्ति ने एफआईआर लगाई, एफआईआर दर्ज है, उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग ये लोग कर रहे हैं। तो 4-5 लोग उसकी जाग पास गए हैं और उसके बाद में उनको जो आश्वासन मिलता है उसी हिसाब से कार्रवाई करें।